आए की बात की, ये बताएं कि अब स्प्रिंग में और अब जो सीजन आ रहे हैं जितने, उसमें कलर्स कौन से बालों के इन रहेंगे? सबसे बड़ी अट्रैक्शन खवातीन के लिए उनके बालों, वो उनको लगता है और होता है इससे कलर करने से आपकी पूरी पर्सनालिटी में थोड़ा सा एक चेंज और सटल चेंज आता है, अगर कलर सटल हो तो। कभी कभी ब्लंडर्स भी हो जाते हैं, मुझसे भी दो तीन दफा बड़े बड़े हुए हैं, लेकिन अब अभी मैंने ये डार्क कलर करवाया, बट इट्स लुकिंग वेरी नाइस ऑन, है ना? मुझे आई लव इट, आई लव इट, दिस इज रियली गोइंग विद योर पर्सनालिटी, दिस इज रियली गोइंग विद योर पर्सनालिटी। हां, वो पहले मेरे काफी, वो भी अच्छा था, हनी कट टाइप का कलर था, लेकिन काफी लाइट हो रहा था टीवी पर, वो थोड़ा सा लाइटर आ रहा, लाइटर आपकी कॉम्प्लेक्शन के अकॉर्डिंग है, वो अपनी स्किन टोन के हिसाब से अगर कलर हो तो वो ठीक होता है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं वो खास तौर पे सैलून में जाओ तो ये बात हो रही है, सुने देखें आपकी आंखें जिस रंग की है ना उसी रंग के आपके बाल होने चाहिए, ये कौन सी लॉजिक है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कलर्स एनीथिंग दैट इज वेरी वेरी सटल एंड दैट ब्लेंड्स विद योर स्किन टोन्स एंड योर पर्सनालिटी, और आप क्या करते हैं। ओहो, मेरे डायरेक्टर को फौरन फिक्र हो गई, क्योंकि इनकी जिनसे दोस्ती है वो उनकी आंखें नीली है। वो डाई कराने ना पहुंच जाए, मोहतरमा आप प्लीज ध्यान रखें, आप हरी और नीली आंखों पे बिल्कुल डाई कराने ना पहुंचे किसी सैलून, और खास तौर पर जो फैशन कंसल्टेंट ये कहता है कि आपकी आंखों जैसे आपके बाल होने चाहिए उस रंग के, तो ये ना कीजिएगा, डिजास्टर हो जाएगा आपके। ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज एट टाइम योर आई कलर इज डार्क ब्लैक एंड एट टाइम्स वेरी हनी टाइप ऑफ कलर, जरूरी नहीं है कि आपके वो, बिकॉज हमें अपने सराउंडिंग को जरूर देखना चाहिए, बिकॉज अगर आप अब्रॉड जाते हैं जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में, वहाँ अगर आप थोड़े लाइटर कलर्स भी लेते हैं वो चल जाते हैं सर्दी के मौसम में, और इफ यू कम टू पाकिस्तान स्पेशली जो बहुत सनी एरियाज हैं वहाँ पे आप देखें, अगर आप बहुत ब्लॉन्ड और इस तरह के कलर ले लेंगे तो वो बहुत अजीब से लगते हैं, बहुत बिकॉज सन रेज से कुछ बाल ऐसे भी लगते हैं अमोनिया लगाया हुआ, नहीं सन रेज से कलर चेंज हो जाता है, हॉरिबल लगता है। आप देखें, मैंने आजमाया है कि बिकॉज इफ आई एम इन वेस्टर्न कंट्री तो मेरे बालों का कलर वहाँ मुझे डिफरेंट लगता है, और यहाँ आने के बाद बिकॉज सन रेज से आपके बालों का कलर चेंज हो जाता है। वाओ, पाकिस्तान के हर घर में हम लोग इस वक्त जा रहे हैं लाइव थ्रू एयरवा डिजिटल स्क्रीन, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कहते हुए कि मेरी नेक्स्ट कॉल आज की है भूरे वाला से, सो गुड मॉर्निंग भूरे वाला, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, क्या हाल चाल है? मेरा ख्याल में जब से आप प्रोग्राम शुरू किया है ना तब से मैं कॉल मिला रही हूँ, एक दिन पहले मिली थी फिर अदील भाई ने दी नहीं, तो ये अदील भाई तो मेरा कबाड़ा करते हैं, बुरे वाला है कि लोगों को तंग ना किया करो भाई, मैं शौक से देखती हूँ आपको, बहुत बहुत शुक्रिया। और सारे बुरे वाला की खवातीन जो इस वक्त हमें देख रही है, मर्द साथ भी देख रहे हैं, हेलो हाय गुड मॉर्निंग, मुझे बड़ा शौक है वहाँ आने का, मैं देखा नहीं यार, बुरे वाला शायद पहली कॉल मेरी लगी है, जबरदस्त ये पहली कॉल नहीं, नहीं पहली कॉल नहीं होगी हमारा प्रोग्राम, नहीं, नहीं, मेरा नहीं बुरे वाला से, बुरे वाला से चले, बुरे वाला को आज क्या कहेंगे, आया ही वेलकम करते हैं, वेलकम जी आया नू, थैंक यू वेरी मच, ओह यू रिमेंबर द राइट वर्ड, जी जी। अच्छा, एक तो मैंने ये पूछना है, ये जो आई हुई ना जी, कि मुझे ना सर में पसीना बहुत ज्यादा आता है, है? अच्छा। गर्मियों में बिल्कुल कोई हाल नहीं रहता, ठीक है हम क्या करें गर्मी में, ठीक है अच्छा सही है। एक तो ये जो बेटी है ना मेरी, हाँ जी, उसकी उम्र तकरीबन 16 साल है, उसके मुंह पे भी छोटे छोटे पिंपल्स बहुत ज्यादा बनते हैं, पिंपल्स सबसे बड़ा प्रॉब्लम लोगों का पिंपल्स का। अच्छा ठीक है, ये तो हो गया, ये मुझे बताएं भूरे वाला में सबसे ज्यादा बड़ी टेंशन आपको किसकी है, कोई नाम ले दे मोहल्ले का, फिलहाल तो शुक्र खुदा का कोई भी नहीं है यार, आप देखिए मैं कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रही हूं, मोहल्ले में किसी का नाम लेके आराम से अच्छा काम किया जा सकता है, यानी के ना कोशिश यही करते हैं ना किसी के ऊपर ज्यादा, यानी के ना हम किसी को ज्यादा टेंशन करते हैं ना किसी से होने देते हैं खुद को, नहीं आपकी माशाल्लाह आपकी जिंदगी टेंशन फ्री है, कोई टेंशन अल्लाह का बहुत ज्यादा शुक्र है, अरे जबरदस्त यार, क्लैप लेट्स क्लैप फॉर हर, गुड यार आपकी जिंदगी में टेंशन नहीं है, कितनी खुशकिस्मत इंसान है आप, थैंक यू वेरी मच, मुझे लगता है भूरे वाला की खवातीन सारी ऐसी रिलैक्स है ना, रिलैक्स होंगी यार, भूरे वाला में हम जॉब नहीं मिलेगी, शिफ्ट नहीं हो जाए हम लोग भी, बट देयर लॉट ऑफ स्ट्रेसेस इन कराची एक्चुअली, दैट्स व्हाट आई हैव हर्ड, अगर आप इफ यू गो टू हैदराबाद एंड इफ यू गो टू अदर प्लेसेस, आई मीन इफ यू गो टू लाहौर, तो या तो मे बी हमारा वर्किंग वो नहीं है, हमारा हम काम करते हैं बहुत ज्यादा होती है जॉब, वहाँ स्ट्रेस लेवल आपको पीक पे मिलता है, कराची इज लाइक रशिंग, बट आई लव कराची, आई कांट लिव विदाउट कराची, आई कांट लिव विदाउट कराची, कुछ भी कह ले हर शहर के लोग कहते हैं लाहौरी कभी यहाँ नहीं रहते, नहीं रह सकते, इस्लामाबाद वाले लाहौर में नहीं रहते, तो एक टिपिकल अपनी एनवायरनमेंट की आदत है, आदत हो जाती है, अपने अपने शहरों को कभी कभी यार ट्रिब्यूट भी दिया करें,
कुछ थोड़ा सा अप्रिशिएट जरूर किया करें। हमारी तो शक्लों में कराची लिखा होता है, कराची वाले शक्लों में नाम भी लिखा। हम तो कराची वाले तो रातों को जागना और पार्टी करना और कराची समथिंग टोटली डिफरेंट। क्या बात है हमारे शहर की और आपके शहर की भी, हर शहर हमारा शहर, लेकिन आपने 2791 पर कभी कभी उन चीजों को भी अहमियत दे दी जाती है, दी जानी चाहिए, जिनको हम जिंदगी में कभी अप्रिशिएट नहीं करते। क्या इतनी खूबसूरत बात की है इन्होंने शहर के हवाले से। कभी आपने सोचा आप जिस शहर में भी रहते हैं, चाहे भूरेवाला में रहते हैं, कराची में रहते हैं, पिंडी में रहते हैं, साहिवाल में रहते हैं, कि ये एनवायरनमेंट, इसके अलावा आप कहीं और जाएंगे तो आपको दिल कहीं नहीं लगेगा, इसको अप्रिशिएट करें। 2791 इसलिए अपॉर्चुनिटी दी गई है कि आज आप न सिर्फ अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी टेंशन शेयर करें, बल्कि ये SMS सर्विसेज मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में इसीलिए होती हैं कि आप खूबसूरत मैसेजेस अपने लिए, अपने एनवायरनमेंट के लिए लिख के जरूर भेजें। फील फ्रेश, दैट्स हाउ वी कैन मेक आवर मॉर्निंग ग्रेट। सो दिस इज गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।